देखिए मैंने काफ़ी, मैं एग्जीबिशन में गया हूँ पेंटिंग में, और लगता है कि मैं आधा पेंटर बन गया हूँ। वैसे भी आर्टिस्ट भी एक पेंटर होता है, चाहे आप स्पोर्ट्स से हैं या आप सिनेमा से हैं या किसी फील्ड से हैं। तो मिश्रा साहब की खास बात क्या है कि इनकी पेंटिंग है ना यूनिक है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर इन्होंने कुछ पेंटिंग बना रखी है, जैसे किसी में बुक हैं, किसी में फेस हैं, किसी में इन्होंने दरवाज़ा बनाया है, किसी में हाथ बनाए हैं, मतलब इन्होंने पूरा वो दिखाया है, किसी में पेड़ उगाया है। तो ये देखो क्रिएटिवली तो मेरी समझ से बाहर है, अब मैं झूठ बोल दूँ कि ये सब है, बाकी यह है कि देख के लग रहा है कि मिश्रा साहब काफ़ी मेहनत करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, तब पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि पेंटिंग बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और हमारे जैसे होते थे ना, वो ड्राइंग का एक पेपर आता था जिसमें एक ईंट के ऊपर हम वो संतरा बनाते थे या एक गिलास बनाते थे, उसमें से आधे बच्चे संतरा उठाए खा जाते, फिर वो झगड़ा रहता, वो कम नंबर आते थे, हमारे जैसे बच्चे खाली ईंट बनाते थे। तो मिश्रा साहब से पूछें कि ये पेंटिंग में इनका मतलब क्या महत्व है, कुछ तो समझाए इन्होंने कि किसी का फेस ये है, किसी का ये है, बाकी मुझे भी नहीं पता। आपके पीछे काफी शानदार पेंटिंग है, काफी सारी कुर्सियां उसमें लगी है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आजकल ये प्रेजेंट सिचुएशन ये है, क्योंकि आजकल क्या हो रखा है कि वर्तमान में सब कुर्सी के लिए फाइट कर रहे हैं, नेता से लेके अभिनेता से लेके ऑफिस से लेके आम इंसान से लेके सब कुर्सी के लिए फाइट कर रहे हैं कि भैया मेरा वो आ जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आदमी सेल्फलेस हो जाता है ना, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दुनिया को फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि कुर्सी के लिए भी अगर आप झगड़ा कर रहे हो, जब आपको फर्क पड़ना कम हो जाएगा ना, तो फिर सबको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत यूनिक है, मैं तो सोच रहा था कि स्टैचू है यहाँ पे, मगर ये भी मिश्रा साहब ने बनाई है ना, तो मैं रेसलिंग मैच करूंगा या कभी शादी करूंगा तो मिश्रा साहब बोले जाऊंगा कि भैया सेट बना दो, आप सेट डिजाइन कर दो, ऐसा जबरदस्त है। वैसे ये बड़ा बहुत ही सुखद है मेरे लिए कि संग्राम जी आए, जिनको आज तक देखा है या फिर इनको पढ़ा है, आज तक इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, और उनके साथ आज अपना ये एग्जीबिशन गैलरी में शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही सुखद घटना है। और जहाँ तक बात एग्जीबिशन की है, तो जैसे शीर्षक ही है विमर्श, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इस तरह का माध्यम मेरे पास है, इतना सशक्त माध्यम मेरे पास है जिसमें आकार भी है और रंग भी है, जिसके जरिए मैं अपनी बातें डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा सकता हूं, मैं संवाद स्थापित कर सकता हूं एक एक व्यक्ति के साथ। तो इसीलिए मैंने हर पेंटिंग को अपना एक संवाद के रूप में यूज़ किया, इस्तेमाल किया है, एक बात कहने की कोशिश करी है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात उन तक शायद उसी रूप में पहुँची है जिस रूप में मैं कह रहा हूँ, कहीं से भी विकृत होकर नहीं पहुंच रही होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। और बहुत ही एहसान मंद हूं संग्राम जी का। जी आपने इतना जबरदस्त बनाया है कि क्या बताएं। सारी पेंटिंग अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं हर पेंटिंग में सोशल मैसेज आपने दिया हुआ है, तो आपको कैसे दिमाग में आया और कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट करने में, किस तरह कितनी मेहनत की? देखिए, समाज में रह रहा हूँ और एक जागरूक सामाजिक आदमी हूँ, तो समाज के प्रति एक सोच रखना, एक सकारात्मक सोच रखना और समाज को एक समाधान या एक दिशा देना मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं सारी बात रचनात्मक हूँ, अगर मैं रचनात्मक हूँ तो फिर मेरा दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी हिंदी तो ज़बरदस्त है। शुक्रिया। वो तो नहीं बना रहे आप जी? क्या तो सारी हिंदी आती है सब कुछ जी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हूँ तो भी आखिर इंडियन ही, बिकॉज ब्लड तो हाफ इंडियन है, ऐसी बात नहीं। पिताजी यहाँ से? नहीं, पिताजी यहाँ से नहीं है, मम्मा यहाँ से है। पिताजी को होना चाहिए। कोई नहीं, अब हमारा होने वाला श्योर हो सकता है, मे बी, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। उसकी चेहरे स्माइल आ गई, बात कर रही है। जैसे कि आप लोगों ने कह दिया है ऑलरेडी, तो कि इनके हर पेंटिंग में एक मैसेज छुपा हुआ है और वो बहुत ही पॉजिटिव है। जितने भी पेंटिंग में जितने भी हमने देखे हैं, सारी बहुत हमें पसंद आई, उसमें से काफ़ी एक दो ऐसे पेंटिंग है जो हमें बहुत ही पसंद है और काफ़ी मीनिंगफुल मैसेज है उसके अंदर। और एक हमने देखा अपना बचपना भी, कि जब बचपन में हम होते थे, किताबों के साथ कैसे खेलना, क्या नहीं खेलना, मतलब एक अलग तरीके से था। और आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया है हर चीज़, तो वो किताबें तो बस रह गई हैं नाम के लिए बुक्स के अंदर, तो पर फिर भी वो अच्छी लगती हैं जब आप उनको खोलते हैं। और एक पेंटिंग हमने देखी थी कि जिसमें ये है कि किताबों में से वर्ड्स जो निकलते हैं
उन किताबों में जो वर्ड्स होते हैं उसमें एक पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब वो डिपेंड होता है आपकी सोच पे और आपके ऊपर कि उससे कौन सा वर्ड्स आपको लेना है लाइफ में, अच्छा या बुरा। तो उसमें से वो छन के जो आ रहा है छन्नी में से और जो बाउल में कलेक्ट हो रहे हैं, तो वो बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो मैंने या आपने किसने भी कलेक्ट करने हैं। और हर किसी को पॉजिटिव चीज़ चाहिए, नेगेटिव किसी को नहीं चाहिए लाइफ में। ये तो बात सही बोली भैया, बिल्कुल। संग्राम सर, और क्या नया आ रहा है आप लेके? कुछ दिनों पहले सर एक पोस्टर भी आया था सचिन जी के। जी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ भी मालिक की दया से। आप मैंने सोचा कि भैया कर लो, उसके लिए काफ़ी, एक फिल्म के लिए काफ़ी मेहनत की मैंने। मैं करने वाला था वो ओलंपिक के फर्स्ट मेडल की बायोग्राफी, जिसने जाधव साहब की, श्याम बेनेगल सर उसको बना रहे थे। तो किसी कारण से वो फिल्म थोड़ा सा रुक गई, जिसके लिए वेट कम किया मैंने 20 kg। अब दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, एक शो कर रहा हूँ अपना, होस्ट कर रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स का शो है, हौसलों की उड़ान विद संग्राम सिंह। उसमें स्पोर्ट्स के सब लीजेंडरी आते हैं तो अपनी कहानी बताते हैं, तो मैं उसका सूत्रधार हूँ। एक रेडियो पे एक सीरीज़ कर रहा हूँ, बी ए चैम्पियन विद संग्राम सिंह। तो मेरा भी यही रहता है कि भैया जिसको जिस हिसाब से मोटिवेट करो मोटिवेट कर दो। और एक खास बात बता रहा हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पर हंसते नहीं ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। तो इसीलिए खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और अच्छा इंसान मेरी नज़र में वो है जो अपने देश के लिए वफादार है। अगर आप अपने देश के लिए वफादार नहीं हैं, तो ना वफादार आप अपनी फैमिली के लिए, ना अपने धर्म के लिए, ना किसी चीज़ के लिए। तो सबसे पहले भैया देश के लिए वफादार हो। छोटी छोटी चीज़ें, कचरा है, बाकी चीज़ें हैं, उनसे लेके बड़ी चीज़ों तक। तो मैं सोचता हूँ भले ही मेरा नुकसान कितना ही हो जाए, भैया देश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। एक टाइम था मेरे अकाउंट में ऐसे 800-900 रुपये होते थे, मुझे 1.5-2 करोड़ का ऑफर आया कोल्ड ड्रिंक कंपनी का। मैंने उसको मना करने में सिर्फ 10 सेकंड लगाए, कि पुरानी कहावत है अगर रात को सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। फिर वो बोले कि भैया ये है मेरे पास, तो वो बड़े बड़े हैं और सुपरस्टार हैं, हु आर यू? मैंने कहा भैया सब अपने भाई हैं, मालिक की दया से दे दो उनको। फिर वो मेरे पास आया 6 महीने बाद, बोला भैया बाकी को बोलता हूँ तो 5-10 लाख रुपये लेते, लोग हाँ कर देते हैं। मैंने कहा भैया देखो बात ऐसी है कि जंगल की अर्थव्यवस्था कितनी ख़राब हो जाए, शेर घास नहीं खाता। हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे, यूथ के लिए अच्छा करेंगे, चाहे फिल्म करें, टीवी करें, कुछ भी करें, वो चीज़ करेंगे जो मीनिंगफुल है। मीनिंगलेस करके फ़ायदा क्या है? 2 रोटी खानी है, सब कुछ यहाँ से जाना है। मेक श्योर अगर आपको फिर भी ज़िंदा रहना है, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके बारे में लोग सुन सके, पढ़ सके, बता सके। तो वही कोशिश कर रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करो। मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ कि भैया पॉजिटिव चीज़ क्या है। मिश्रा साहब में पॉजिटिविटी इतनी है कि जितना ऊपर है उससे 10 गुना नीचे हैं। वो रिया जी क्या है कि कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बड़ी बखूबी। हम क्या हैं कि एक पुरानी कहावत, हम तो सबको देख के सीखते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद। लाइफ में आजमा लो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और किसी को हम छोटा देख रहे हैं या तो दूर से देख रहे हैं, गुरूर से देख रहे हैं, सब बराबर होते हैं, चाहे सुपरस्टार है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो कुछ भी है, पॉलिटिशियन है। भैया हम सब एक कहते हैं ना कि एंटिक पीस होता है, वो हम सब हैं। ऊपर वाले पास कहाँ इतना टाइम है कि फालतू चीज़ बनाएगा। तो हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, और रिस्पॉन्सिबल बनो, और हंसते रहो। बस शुक्रिया।